आज हम 25वें नंबर के काव्य की ओर चल रहे हैं। 25वें नंबर के काव्य में आचार्य मांगतुंग स्वामी हमें क्या कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ेंगे और इस 25वें नंबर के काव्य के माध्यम से आज वो मेरी बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले हैं। मेरे बोलने के उपरांत सभी लोग बोले। बुद्धस्त में विविधा चित बुद्धि बोधा, बुद्धस्त में विविधा चित बुद्धि बोधा, तुम संक रोष भुवनत्र संकरत्वा, संक रोष भुवनत्र संकरत्वा, दाता से धीर से मार्ग विधि विधाना, दाता से धीर से मार्ग विधि विधाना, उत्तम तुम्हें भगवन पुरुषोत्तमोसी, उत्तम तुम्हें भगवन पुरुषोत्तमोसी। आचार्य मांगतुंग स्वामी उस कारागृह में रहकर भी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, बुद्धस्तमेव, हे भगवान बुद्ध, आप बुद्ध भी हैं, तुम आप एव मन ही विबुद्ध देवों द्वारा अर्चित भी आपकी अर्चना पूजित होते हैं, बुद्धि ज्ञान को देने वाले हैं, बोधात बोध से तुम आप संकरत्वात, आप विचार करना आप संकर भी हैं, असीमन हैं, भुवनत्र भुवन माने जगत, त्र माने तीन, संकरत्वात् शांति के करने वाले भी आप ही हैं, धातासी ब्रह्मा धीर धैर्यवान शिव मार्ग कल्याण का मार्ग विधो विधन्नाद विधि के विधानात विधान से वक्तम व्यक्त त्वम आप इवन ही भगवान, हे भगवान पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ओसी उत्तम पुरुष असी माने हैं। ये काव्य को आप बार बार पढ़ते होंगे लेकिन अभी तक आपने ये नहीं समझा, ये काव्य को हम पढ़ रहे हैं तो हम बुद्ध को भी नमस्कार कर रहे हैं, ब्रह्मा को भी नमस्कार कर रहे हैं, शंकर को भी नमस्कार कर रहे हैं। बाहर जाओ और बुद्ध की प्रतिमा मिल जाए तो कहोगे नहीं मैं नमस्कार नहीं करता, ब्रह्मा की प्रतिमा मिल जाए तो नमस्कार नहीं करता, शंकर की प्रतिमा मिल जाए तो नमस्कार नहीं करता, लेकिन यहाँ कह रहे हो बुद्धस शंकरस पुरुषमोत्तोस कि आप बुद्ध भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, शंकर भी हैं, तो आप सबको नमस्कार कर रहे हो। फिर बाहर जो प्रतिमा मिल जाए, बाहर देखने को मिल जाए, फिर उन्हें नमस्कार क्यों नहीं करते हो? जब यहां रोज भक्तामृत में आप पढ़ रहे हो फिर उन्हें नमस्कार क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, हमारे बुद्ध कौन, हमारे शंकर कौन, हमारे ब्रह्मा कौन, हमारे विष्णु कौन, हमारा सब कुछ जो 1800 से रहित हैं वो हमारे बुद्ध भी हो, हमारे शंकर भी हो, हमारे ब्रह्मा भी हो, हमारे विष्णु भी हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो 1800 से बुद्ध वीर हर हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन करो, बुद्ध हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, जो भी हो, 1800 से रहते हैं वो ही हमारे बुद्ध हैं। विचार करना, आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान देवों द्वारा पूजित ज्ञानमय होने से आप बुद्ध हैं, देवों के द्वारा आपकी पूज्यता है और आप बोधि को देने वाले हैं, ज्ञान को देने वाले हैं, इसलिए आप बुद्ध हैं। आप तीनों भुवनों में शांति कारक होने से, तीनों भुवनों में शांति, तीन भवन कौन से? अधोलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। आप आगम शब्द को समझते हैं, आगम में तीनों लोक हैं, आ गा और मा, आ माने अधोलोक, गा माने गगनलोक, मा माने मध्यलोक।
जहां आगम साहब खड़ा हो जाए, वहां तीनों लोग अगर अपने समाहित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आ माने अधो लोग, गा माने गगन लोग और मां माने मध, तीनों लोक में शांति को देने वाले आप हैं, इसीलिए तो आप शंकर हैं। यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तीनों भुवनों में शांति कारक होने से आप शंकर हैं और आप शिव मार्ग को बताने वाले हैं। शिव मार्ग के विधान करने से आप ही ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विचार करना, आप गंभीर होने से धीर हैं और धैर्यवान हैं और आप पुरुषों में उत्तम होने से पुरुषोत्तम हैं। ये तीनों हमारे अंदर भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों हमारे अंदर भी हैं। जो हमारा मन सृजन का होता है तब हम खुद ब्रह्मा हैं, जो हमारा मन दूसरों को पालन करने का, रक्षा करने का होता है तो हम ही विष्णु हैं, और जब हमारा मन किसी पाप का संहार करने का होता है तो हम ही महेश हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ब्रह्मा ने सृष्टि को जन्म दिया, लेकिन जैन संप्रदाय के लोग तुम्हारे कर्मों को ही तुम्हारा कर्ता मानते हैं। तो जैन संप्रदाय के लोग, बहुत से लोग, जैन ने गीता में भी कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तुम्हारा जन्म देने वाला, तुम्हारा सृजन करने वाला, तुम्हारा पालन करने वाला और कोई नहीं है, तुम्हारा ही कर्म है। तुम्हारा कर्म जब अच्छा होता है तो जीवन में बहुत कुछ होता है। विचार करना, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ पर तीनों की तीनों को हम जो नमस्कार कर रहे हैं, आचार्य मांगतुंग स्वामी बुद्ध को नमस्कार कर रहे हैं, बुद्ध को जन्म देने वाले, बुद्धि को जो सम्यक बुद्धि देते हैं, सम्यक बुद्धि को देने का प्रयास करते हैं वो बुद्ध हो जाते हैं। विचार करना, लेकिन हमारा ध्यान जब बुद्ध का नाम आता है तो तुरंत उस मूर्ति पे चला जाता है, ब्रह्मा पर ध्यान आता है तो उस मूर्ति पे चला जाता है। जो बाहर की आकृति हमारे दिमाग में बैठी है वो ही, हमारे आचार्य कह रहे हैं कि जो ज्ञान देता है वो बुद्ध हो जाता है, जो ज्ञान का सृजन करता है, जो हमारे को शांति देता है, जो हमारा सृजन करता है। विचार करो, हम उस भारत की स्वतंत्रता की ओर चल रहे हैं और भारत की स्वतंत्रता के लिए हम अपने जीवन को सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। इस काव्य के अंदर आचार्य मांगतुंग स्वामी ने हमें हमसे जोड़ने का प्रयास किया। बाह्य परमात्मा नहीं है, हमारे अंदर ही परमात्मा है। तुम्हारा वे स्वरूप बाह्य का स्वरूप नहीं, ब्रह्मा का स्वरूप होगा। और जब तुम्हारा ये मन किसी की रक्षा का भाव ले आए, चाहे वो रक्षा बच्चे की हो, चाहे वो रक्षा जीवों की हो, चाहे वो रक्षा परिवार के पालन की हो, तुम्हारे मन में ये भाव आने लगे, पालन का भाव आने लगे, तो समझ के रखना तुम्हारा मन अब विष्णु जैसा हो रहा है। और जब तुम्हारे मन में किसी को नाश करने का भाव आए, बाह्य पदार्थों को नाश करना है या कर्मों को नाश करना है, जब भी तुम्हारे मन में विध्वंस का भाव आए तो समझना अब तो महेश जैसा सृजन करने का प्रयास कर रहे हो। जीवन को इतना ही व्यवस्थित बनाना, जीवन को इतना ही समझने का प्रयास करना कि आज हमारा ये भारत देश जो हमें प्रकाश दे रहा है, हम लोग, अभी भजन चल रहा था, इंडिया माई लव, इंडिया माई लव, काय का इंडिया, इंडिया नहीं, हमें भारत बोलना है। हाँ, विचार करके रखना, इंडिया मालूम है इंडिया कैसे बना? अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेज जब भारत में आए तब जब तुमसे कोई गलती होती थी ना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता था, तब वो बोलते थे इडियट है, और ये इडियट होते होते इंडिया हो गया। आप विचार करके रखना, इडियट करते करते इंडिया हो गया, क्योंकि जब तुमसे गलती होती थी वो इंग्लिश में गाली देते थे, तुमने पूछा ये इडियट क्या है, उन्हें इडियट मतलब इंडिया,
तुम्हारा भारत इंडिया हो गया। अब विचार करना, इंडिया में चार शब्द हैं, ई ना डा और या, चारों शब्द हमें क्या सिखा रहे हैं। ई माने ईर्षा, डा माने डरना, वो डरा के रखते थे, वो तुम्हें ईर्षा कराते थे। अब विचार करना, ना माने नकारात्मक और या माने यमराज के घर पहुंचाने की व्यवस्था। और उस इंडिया को हम कर रहे हैं इंडिया माई लव। आप विचार करके रखना, हमारा भारत देश क्या था। भारत भा माने प्रकाश और रत माने देने वाला, तो प्रकाश देने में जो रत, उसे हम कहते हैं भारत। इसीलिए भारत में रहने वालों, ये बात विचार करके रखना, इंडिया नहीं बोलना, क्या बोलना। जब कभी तुम आपस में, आज तो कम से कम इतना नियम बना लेना, इतना ही विचार बना लेना कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, जब हिंदू हिंदू से मिलता है तो बोलता है राम राम, जब मुस्लिम मुस्लिम से मिलता है तो बोलता है अस्सलाम वालेकुम, जब सिख सिख से मिलता है तो बोलता है सत श्री अकाल, और जब क्रिश्चियन क्रिश्चियन से बोलता है तो गुड मॉर्निंग आदि बोलता है, नमस्कार और प्रणाम बोलता है। जैन जैन से मिलता है तो जय जिनेंद्र बोलता है। और आज अगर सही रूप में भारत की स्वतंत्रता बनाना है तो हम राम राम, राम कृष्ण राम, जो भी बोलना है, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, ये सब बाद में बोलेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बोलेंगे जय भारत। क्या बोलेंगे? जय भारत। जब आप एक दूसरे को फोन करो तो कभी जय जिनेंद्र नहीं बोलना। आज क्या बोलोगे? आज क्या बोलोगे? आज नहीं, आगे भी बोलना है। इतना ही विचार करना, अगर हमारा भारत रहेगा तो हमारा धर्म रहेगा, हम रहेंगे। और हमारा भारत ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। मानतुंगा आचार्य उस कटघरे के अंदर कह रहे हैं, तुम संपूर्ण हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, ब्रह्मा भी तुम्हारे पास है, विष्णु भी तुम्हारे पास है और महेश भी तुम्हारे पास है। विचार करो, तुमसे कोई फोन करके बोले, तुमसे कोई फोन करके बात करे तो उसको इतना ही बोलना, जय भारत। आज क्या बोलोगे? कोई बोले जय जिनेंद्र तो तुम क्या बोलोगे? कोई बोले अस्सलाम वालेकुम तो क्या बोलोगे? कोई बोले सत श्री अकाल तो क्या बोलोगे? कोई बोले नमस्कार तो क्या बोलोगे? जोर से बोलो ना, जय भारत। आप विचार करके रखना, जब भारत की जय जयकार होगी तो हमारी भी जय जयकार होगी। हमें इतना ही विचार करना, हमारा भारत प्रकाश देने वाला दिन है, प्रकाश। और आज का दिन है माँ का जन्म दिवस मनाने का दिन। हम 78वां माँ का जन्म दिवस मना रहे हैं, 78वीं वर्षगांठ माँ की मना रहे हैं, तो कितनी खुशियां होना चाहिए। इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि आज मानतुंगा आचार्य उस 25वें नंबर के काव्य में हमें ब्रह्मा से भी मिलवा रहे हैं, विष्णु से भी मिलवा रहे हैं, महेश से भी मिलवा रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनकी स्तुति करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पाषाण की भी पूजा करते हैं। ये पाषाण कितनी इंद्री जीव है? एक इंद्री जीव। आप विचार करना, लेकिन इस पाषाण में परमात्मा की आकृति दे दी, परमात्मा के मंत्रों की हमने स्थापना कर दी, तो ये परमात्मा, ये पाषाण भी हमारे लिए पूज्य हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम तो जीवंत की बात कर रहे हो, हम तो अचेतन की भी पूजा कर रहे हैं, तुम तो चेतन की बात कर रहे हो। अगर चेतनता के अंदर इस सारे गुण आ जाएं तो वो भी हमारे लिए पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। विचार करना, हमारे यहां जिनागम में बहुत बड़ी उदारता है, लेकिन हम लोग बहुत संकुचित बुद्धि वाले हैं। हमारी बुद्धि इतनी संकुचित हो गई कि हमारे मंदिर में परमात्मा के ऊपर अगर सर्प का फन लग जाए ना, तो हमारी बुद्धि कहती ये भगवान नहीं, पारसनाथ तो बिना फन वाले होना चाहिए, क्योंकि फन लगा तो वो केवल ज्ञान के बाद फन हुआ ही नहीं था। ख्याल करके लगना, केवल ज्ञान के बाद फन लगा ही नहीं था, और ये फन लग गया कहां से, ये सांप कहां से आ गया भगवान के पास।
फन लगे भगवान पारसनाथ को नहीं पूजेंगे, बिना फन वाले पारसनाथ को पूजेंगे। आप विचार करना, पारसनाथ की निषेध कर दिया। बाहुबली भगवान पे बेल चढ़ जाए, बेल चढ़ी भगवान कैसे, बिना बेल वाले बाहुली ढूंढो कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन आप विचार करना, हमारी बुद्धि इतनी संकुचित हो गई, इतनी छोटी हो गई कि हमने अपनी पूजा पद्धतियों में, अपनी बहुत सारी आराधनाओं में, अर्चनाओं में सब कुछ छोड़ दिया। हमारा उद्देश्य, हमारे यहाँ उन वृक्षों की पूजा है जिनके नीचे बैठकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। हमारे यहाँ उन शिलाओं की पूजा है जिन पर बैठकर भगवान मोक्ष गए हैं। हमारे यहाँ उन नदियों की पूजाएं हैं जिनके ऊपर भगवान का अभिषेक होता है, गंगा के ऊपर आती है वो गंगा, उनकी पूजा है। हमारे यहाँ सूर्य चंद्रमा की पूजा है। भरत चक्रवर्ती छायिक सम्य दृष्टि उन सूर्य में रहते जिन बिंब को नमस्कार करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कल से मंदिर आना बंद, घर से सूरज की पूजा कर लो, कल से पेड़ पौधों को चले जाओ पूछने। आप विचार करना, हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपकी बुद्धि विराट होना चाहिए, आपकी बुद्धि विशाल होना चाहिए। हम जितना सकारात्मक में अपनी ऊर्जाएं को नहीं लगाते, उतनी नकारात्मक में लगा देते हैं। हमें इतना ही विचार करना, अगर वो कोई पूजा कर रहा है, वृक्ष की पूजा कर रहा है, तो कहना इस पे कभी कोई भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया होगा, उसे सही विवेक सिखा दो। विचार करना, विवेक के अभाव में हमारा जीवन अस्त व्यस्त नष्ट हो जाता है, और विवेक आ जाए तो हमारे पाप भरा जीवन भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। हमें अपने जीवन को पुण्यशाली बनाने का प्रयास करना है। आज भक्तांबर की आराधना, और आराधना करने वाले तीन तीन परिवार, और आप विचार करके रखना, यहाँ पर भी आचार्य मानता हूँ स्वामी कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमें ये तीनों परिवार लग रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आ गए हों, कि चलो हम तीन आज भगवान तीन का वर्णन करेंगे, तो हम भी ब्रह्मा के रूप में, हमारे पवन जी बैठे हैं, पवन जी ब्रह्मा के रूप में आ गए हों, विष्णु के रूप में ये माताएं, माताएं पालन करती ना बच्चों का, कौन सा मंडल है इनका महिलाओं का, सनमती, सनमती सबको दे सभी सम्यक मति, उसका नाम सनमती। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में कौन आया, तीसरा परिवार कौन सा है, सुरेश जी का परिवार। तीनों परिवार मिलकर विधान, और कितना पुण्य देखो, दीप अर्चना भी साथ साथ में कर रहे हैं, और दीप अर्चना के साथ अभी तो 40 और 400 लोग दिख रहे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही कहना चाहूंगा कि हम उस परमात्मा को मानने वाली विराट बुद्धि रखें, जो मान दो आचार्य बुद्धि रखी, भगवान बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, तीर्थंकर कहो, पैगंबर कहो, ये सब मेरे भगवान के ही रूप हैं, वो अपने अपने रूप में मान रहे हैं, और हमारा वितरकता का रूप हमें मानना है, तभी हमारा कल्याण होगा। आज इतना ही, ओम नमः जय गुरुदेव।